हे गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड सेफ। सो फ्रेंड्स, टाइटल और थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे। तो जी हाँ, आज मैं पुष्पा फिल्म की जो एक्ट्रेस थी रश्मिका मंडना, उनका ही इंस्पायर्ड मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ में। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये मेकअप लुक पसंद आएगा और आप ये वीडियो अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है अच्छा वर्क करने के लिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल पे, फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करिएगा आगे की नोटिफिकेशन के लिए। मैं मेकअप, स्किन केयर, हेयर केयर, हॉल, DIY कलेक्शन से रिलेटेड वीडियो शेयर करते हैं। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मेकअप लुक कैसा टर्न आउट होता है। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक वाइप्स लेना है, उसे अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर देना है। आप फेस वॉश भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मॉइस्चराइजर के लिए मैं पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल ले रही हूँ। ये मॉइस्चराइजर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, सभी स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, खासकर अगर आप ऑयली स्किन के हो ना तो आपके लिए बेस्ट है, तो इसको आप ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैंने इनसाइड का पोर मिनिमाइजर प्राइमर लिया है, जो कि काफ़ी अच्छा बजट में प्राइमर आपको 100 रुपीज़ तक मिल जाएगा ऑनलाइन। कोई भी मेकअप के पहले से प्राइमर ज़रूर अप्लाई करें। प्राइमर नहीं है तो आप एलोवेरा जेल ऐसा प्राइमर लगा सकते हो। प्राइमर लगाने से आपके जो पोर्स होते हैं वो अच्छे से फिल हो जाते हैं और मेकअप आपका लॉन्ग स्टे करता है। यहाँ पे फाउंडेशन के लिए मैंने ब्लू हेवन का फाउंडेशन लिया है। गाइस, ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है। अफोर्डेबल में आप कोई फाउंडेशन ढूंढ रहे हो ना तो ये बेस्ट है। ये मुझे 99 रुपीज़ का मिला था, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बजट में है। ऑफ़र में तो आपको और भी सस्ता मिल जाएगा। ये ऑरेंजेस अंडरटोन में है, जो कि मेरे जो लिए है परफेक्ट शेड है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कंसीलर के लिए मैंने यहाँ पे लिए है स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर, जिसका जो शेड है 02 है, काफ़ी अच्छा कंसीलर है। हाईलाइट पॉइंट पे मैंने लगा के इसको ब्लेंड कर लिया, जैसे कि अंडर आई, नोज़ पे, माउथ के अराउंड थोड़ा सा डार्कनेस अगर आपकी पिगमेंटेशन वगैरह है तो उसको हाइड कर देगा। उसके बाद यहाँ पर ब्लू हेवन का मैंने यहाँ पर लूज़ पाउडर लिया है और इस तरह से अपने फेस पर मैंने वेकिंग की है थोड़ी देर के लिए। और ऐसे ठंड है, ठंड का महीना है, तो अगर आप चाहें तो इसको ये वाला स्टेप अवॉइड कर सकते हैं, डायरेक्ट अब थोड़ा सा लूज़ पाउडर लेके अपने फेस को सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टोर के लिए मैंने NYV की कॉन्टोर स्टिक ली है, भी बजट में है, काफ़ी अफोर्डेबल है। और इस तरह से मैंने अपने फेस पे कॉन्टोर किया है और इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। कॉन्टोर करने से आपका फेस मतलब एक प्रॉपर शेप में आ जाता है और अच्छा स्लिम दिखता है। अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा मोटा है तो कॉन्टोर ज़रूर करिए, और आप चाहें तो ये वाला स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। तो अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी मैं। मैंने एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से ब्लेंड किया है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कंटूर के लिए आप कौन सा ब्रश यूज़ करती हो, तो आप तो एंगुलर ब्रश ले सकते हो उसके लिए। तो यहाँ से मैं फिंगर से ही ब्लेंड कर ले रही हूँ नोज़, क्योंकि फिंगर से ब्लेंड करने बहुत अच्छी से शेप आ जाती है। अब आईब्रो फिल करेंगे। आईब्रो फिल करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है स्विस ब्यूटी का ये ब्राउन आईब्रो पेंसिल, जो कि काफ़ी अच्छा है। और आप सभी देखते होंगे अगर जो रेगुलर व्यूअर हैं मेरे, कि मैंने जब से इसको लिया मुझे ज़्यादा पसंद आ रही, मैं यही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो बस आप इसको ले लीजिए, एक आपको अंडर 50 रुपीज़ मिल जाएगी। तो इसके में जो कैप में कॉम्ब है उससे मैं अच्छे से कॉम्ब कर लूँगी आईब्रो को फिल करने के बाद, ताकि जो मेरी आईब्रो है एकदम नीट क्लीन दिखे। उसके बाद लूज़ पाउडर को मैं डस्ट ऑफ कर दूँगी कुछ इस तरह से, और इस तरह से कॉन्टोर कप को प्रॉपर शेप देने के लिए फिर से लूज पाउडर से मैंने शेड कर दिया है, अपने कॉन्टोर को कट कर दिया, जिससे जो उसका कॉन्टोर का लुक है वो थोड़ा सा शार्प दिखे कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हो कितना शार्प दिख रहा है। अब ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने लाइट पीची सब पिंक शेड है उससे मैं अपना ब्लश लगा रही हूँ। तो इस तरह से ब्लश अप्लाई कर लेना है, नोज़ पर भी थोड़ा करना है ताकि नेचुरल ग्लो मिले। अब हाईलाइटर लगा लूँगी मैं, तो हाइलाइटर आपको ही सभी लगा सकते हो अपने पसंद का। कुछ इस तरह से हाइलाइटर अप्लाई कर लेना है। और जो पुष्पा फिल्म की एक्ट्रेस हैं रश्मिका मंडना, आई थिंक मैं सही बोल रही हूँ उनका नाम, तो उन्होंने बहुत ही लाइट मेकअप, बहुत न्यूड सा नेचुरल सा मेकअप है उनका, तो बस वैसे ही क्रिएट करने की मैंने कोशिश की है। हाइलाइटर डन हो गया है। उसके बाद लिप को मैंने मॉइस्चराइज कर लिया है लिप बाम के साथ में। अब यहाँ पे मैंने ये हुडा ब्यूटी का न्यूड आई शेडो पैलेट लिया, उसमें से मैंने लाइट ब्राउन शेड लिया है, उसको मैं अपने क्रीज लाइन पर अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी एक
फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश के साथ में। आई मेकअप कुछ ज़्यादा नहीं है, बस बहुत ही सिंपल सा है ये। अगर आप बिगनर हो तो इस तरह से मेकअप आप कर सकते हो शादी पार्टी के लिए। तो इस तरह से पूरी लिड पे अप्लाई कर लूँगी मैं। अब यहाँ पे एनवाइवे का मैंने काजल लिया। गाइस ये ऑलमोस्ट मेरा फिनिश हो चुका है, मुझे दूसरा परचेस करना है। बहुत टाइम पहले मैंने परचेस किया था, काफ़ी अच्छा चला, बहुत ही मतलब एकदम जेट ब्लैक काजल है, काफ़ी लॉन्ग स्टे करता है, स्मच प्रूफ, वाटर प्रूफ है, आप चाहें तो इसे ले सकते मेरा ये फिनिश हो गया अब तक का मेरा बेस्ट काजल रहा है, मुझे बहुत पसंद है। एक L18 का और एक ये काजल मुझे बहुत पसंद आता है, आपको 70 या 75 अराउंड मिल जाता है, तो आप इसको डेफिनेटली ज़रूर लीजिएगा। तो काजल मैंने अपने अपर एंड वाटर लाइन पे अच्छे से टाइट लाइन किया, उसके बाद इसी काजल को मैं एज अ लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल लाइनर है, कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, अगर आप अलग से ज़्यादा ताम झाम नहीं करते तो काजल को एज अ लाइनर लगा सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक क्यू टिप लिया है, उसमें मैंने ब्राउन शेड आई शेडो का लेके अपने काजल को हल्का हल्का सा स्मेश कर दिया है, ताकि थोड़ा सा शार्प दिखे, क्लीन लगे जो मैंने काजल अप्लाई किया है। तो इस तरह से ब्लेंड कर देना है। अब यहाँ पे हाईलाइट कलर से मैं अपने हाईलाइट को कर्ल कर लूँगी, और उसके बाद यहाँ पे मस्कारा अप्लाई कर लूँगी। मस्कारा के लिए मेरे पास है यहाँ पे मार्स का मस्कारा, जो कि बहुत ही अच्छा मस्कारा, ये आपको अंडर 200 मिल जाएगा। आपके हाईलाइट को बहुत अच्छे से कर्ल कर देता है और बजट में भी है, तो ये भी मेरा अब तक का सबसे बेस्ट मस्कारा रहा है। तो आप इसे चाहें तो ले सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपको इसको रिकमेंड कर सकती हूँ, तो इसको ले लीजिए। थोड़े मेरे वॉइस को इग्नोर करिएगा गाइस, क्योंकि कोल्ड है तो थोड़ा सा ना गला भारी भारी सा लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये से छूटा की मैट में लिपस्टिक लिया, जिसमें न्यूड शेड है, जो रश्मिका ने लिपस्टिक अप्लाई की है वो न्यूड है, उनका पूरा जो मेकअप है पूरा न्यूड है, तो न्यूड ही शेड मैंने पिक किया है। लिक्विड लिपस्टिक है गाइस, बहुत अच्छा सा ये वर्क करती है, ये 6 से 7 घंटा कहीं नहीं जाने वाली आपके होठों से, और अफोर्डेबल है। कॉम्बो में रिसीव किया था मैंने अंडर 300, तो आप चाहें इसको ले सकते हैं। इसका डिटेल रिव्यू मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने ब्लैक बिंदी लगा ली है, और मेरे पास नोज पिन कुछ ऐसी नहीं थी, तो मैंने एक स्टोन वाली बिंदी थी मेरे पास, तो उसको मैंने एज अ नोज रिंग वेयर कर लिया है। अगर आपका नोज पिन आपके पास नहीं पहनने का मन है तो कुछ इस तरह से बिंदी से कर सकते हो, उस तरह से हेयर स्टाइल एंड गजरा मैंने वेयर कर लिया है, और गले में एक इस तरह का नेकलेस पहन लिया है। तो बहुत ही अच्छा सा लुक ये टर्न आउट हुआ है मेरे अकॉर्डिंग, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हेयर स्टाइल भी मैंने कुछ उन्हीं की तरह कॉपी किए हैं। तो पूरा ओवरऑल मेकअप लुक कैसा लगा, क्या उनकी तरह मैं इस वाले मेकअप लुक को क्रिएट करने में सफल हो पाई हूँ, कमेंट ज़रूर करना। कुछ भी कमी हो, कोई भी सजेशन देना चाहते हो आप, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो इस वाले मेकअप लुक को ना आप किसी डे फंक्शन के लिए भी, नाइट फंक्शन के लिए कर सकते हो, कि सब किसी पूजा पाठ पे भी कर सकते हो। अभी सरस्वती पूजा आने वाली है, तो आप उसके लिए भी इस वाले मेकअप लुक को क्रिएट कर सकते हो। थोड़ा सा साउथ इंडियन लुक है जैसा कि आप देख रहे हो, तो अपने साउथ इंडियन फेस्टिवल में भी कुछ इस तरह से लुक कर सकते हो। अगर आप न्यूली ब्राइड हो तो एवरीडे में भी इस तरह का लुक आप कुछ क्रिएट कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी गाइस, एंड पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। फिर मिलेंगे एक अच्छे से वीडियो के साथ में, तब तक लिए टाटा बाबा, थैंक यू।